तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी इंडियन आर्मी के अग्निवीर हैं। ऑब्वियसली एक बड़ी बात करने के बाद लगातार बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो आज दो बातें मैं अहम रूप से आपको क्लियर करूंगा। पहली सबसे अहम बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि आखिर जो रैली भर्ती चल रही है सर, इनके विषय में जानना है कि आखिर कितने जगह की रैली भर्ती कंप्लीट हुई है और इनके रिटन एग्जाम कब कंडक्ट होंगे। तो इस इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज़ ये ऐड कर देता हूँ कि इस बार की जो भर्ती प्रक्रिया है इंडियन आर्मी की, इसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं है। दैट मीन जो प्रक्रिया पहले से होती आई है, फिजिकल, रिटन, मेडिकल, वही सेम प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी। तो इस बार जो बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, जो क्रमशः रैली भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं, उनको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 6 महीने पर कंटिन्यूस वैकेंसीज चलती रहेंगी। इस समय अग्निवीर के लागू होने के बाद इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, सबकी प्रक्रिया कहीं ना कहीं 6 महीने में साइकिल में बंधना और सिस्टम में शुरू हो चुकी है। तो 2023 की जो वैकेंसी होगी उसके लिए बहुत बड़ा खुलासा यही है कि अब आप उसी प्रक्रिया से गुजरेंगे जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी करती है। दैट मीन पहले रिटन एग्जामिनेशन, फिर फिजिकल और फिर आपका मेडिकल, वही प्रक्रिया इंडियन आर्मी भी आजाद करेगी। क्या उस प्रक्रिया के आने के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे सर, क्या संशोधन हो सकते हैं, बच्चों को अभी से क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात कि जो बच्चे अभी रैली भर्ती में क्लियर किए हैं बेटा, आपके लिए सबसे ज्यादा अभी जरूरी है कि आप फटाफट आके तेजी के साथ अपने रिटन एग्जाम के प्रिपरेशन लगें। और मैं कहना चाहता हूं पूरे देश के जितने भी नामी के बच्चे हैं, आई नो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन किए होंगे, बट प्लीज आप एमकेसी का हिस्सा बनिए एक रियल प्रिपरेशन के लिए। बच्चा जितना भी हमारा टेक्निकल का बच्चा है उसको ध्यान से समझना होगा कि उसके अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथमेटिक्स भी है बेटा, और समय आपके पास कम है, आपको जबरदस्त प्रैक्टिस की जरूरत है जो आपको रियल उस स्टैंडर्ड पर एमकेसी देगा। एक एक दिन में हम 7-8 घंटे की क्लासेस रन कर रहे हैं केवल एक उद्देश्य से कि एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न हैं उनकी हम ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करा सकें। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, फटाफट पहुंचिए एमकेसी और बिल्कुल अपनी तैयारी को करिए अप टू द मार्क। साथ ही साथ ऐड करना चाहता हूं कि जो बच्चे इस समय लगे हुए हैं क्लर्क वाले, उनको मैं बता देना चाहता हूं जितना रोल आपके यहां एक तरीके से जीके पार्ट को लेके है, अर्थमेटिक पार्ट को लेके है, साइंस पार्ट को लेके है, कंप्यूटर साइंस का भी क्वेश्चन आपके यहाँ 5 बनता है, उतना ही रोल इंग्लिश का भी अहम हो जाता है और सबसे बड़ा रोल हो जाता है। तो इंग्लिश के भी जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन हम दे रहे हैं और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस से लेके, साइंस से लेके, अर्थमेटिक्स से लेके, जीके हर पार्ट पर सेपरेटली काम कर रहे हैं। आइए स्पेसिफिक गाइडेंस आपको मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी हमारे जीडी ट्रेड्समैन और WMP विमेन मिलिट्री पुलिस की बच्चियां हैं और हमारे जो जीडी ट्रेड्समैन के बच्चे हैं, बिल्कुल आपके लिए भी स्पेसिफिक आपकी रीजनिंग की, अर्थमेटिक की, जीके की और साइंस की क्लासेस हम रन कर रहे हैं और आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट बना रहे हैं आने वाले एग्जाम के लिए, और सबको स्पेसिफिक तरीके से कवर किया हुआ है जिससे एक बेहतर आउटपुट और रिजल्ट क्रिएट कर सकें। बेहतरीन मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि चुनिंदा क्वेश्चनों का कलेक्शन हमने बनाया। अर्थमेटिक के लिए अलग है, रीजनिंग के लिए अलग है, जीके के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है, आपके अर्थमेटिक एडवांस पार्ट के लिए आपका अलग बनाया गया है। हर पार्ट को अलग अलग तरीके से हमने सजाया हुआ है, इंक्लूडिंग जनरल साइंस, जो आपको आपके एग्जाम में उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से मदद दे जो आपको सफलता का सबसे बड़ा कारण बन के आएंगे। तो बिल्कुल आप सब तैयार होइए, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जितनी भी रैली कंप्लीटेड हो गई है, चाहे वो मैं हेडक्वार्टर अंबाला की बात करूं, हिसार, आमिरपुर, पालमपुर सब हो गया है, बैंगलोर की बात कर लें तो बैंगलोर हो गया, चेन्नई हेडक्वार्टर की बात करें तो वाइजैक, ट्रिची एंड गुंटूर हो गया आपका, साथ साथ दानापुर, रांची की बात करें जबलपुर, मऊ और रायपुर हो गया आपका, जयपुर, झुंझुनू, अलवर कंप्लीट हो गया, लुधियाना, अमृतसर हो गया आपके जलंधर में, वहीं कोलकाता की बात करते हैं सिलीगुड़ी, संबलपुर आपका हो गया, और सारे लखनऊ में आप बात कर लें तो पूरा अल्मोरा, बरेली, पिथौरागढ़ जितने भी है सब कंप्लीट है, सबका प्रोसेस शुरू हो चुका है। औरंगाबाद ऑलमोस्ट आप देखा जाए जहां जहां रैली भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, मैं यही कहना चाहता हूं आपको, इंक्लूडिंग RO दिल्ली कैंट, आप सब बिल्कुल तैयार हो जाइए, बहुत कम समय बचा है। पहले शेड्यूल में जैसे सुनने को मिल रहा है 16 अक्टूबर को ही एग्जाम है, तो मैं यही कहना चाहता हूं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, एंड बिल्कुल अपना एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि इशू कर दिया गया है बच्चों को, इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड मेरिट भी जो बनेगी इस बार RO-YZ है, बट जो अगली वैकेंसी उसमें क्या चेंजेस हैं आज उसको लेके बात करते हैं, क्योंकि अभी लगातार आप फिजिकल भी दे रहे हैं रैली भर्ती और आप अपने रिटन के प्रिपरेशन में भी लगे हुए हैं और बच्चे जम के एमकेसी में आए हैं और जम के मेहनत कर रहे हैं एक बेहतर रिजल्ट और बेहतर आउटपुट के लिए। बट अब बात करेंगे अगले प्रोसीजर को, इंडियन आर्मी अगले बैच की भर्ती में सबसे पहले कैंडिडेट को एक ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, जिससे आपको एयरफोर्स नेवी में ऑलरेडी पता है। रिटन एग्जाम क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी फिजिकल टेस्ट के लिए प्रोसेस किया जाएगा, ये एकदम क्लियर कट है, इसको आप गांठ मार लें, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की तरह इंडियन आर्मी ने सिलेक्शन प्रोसेस को उसी तरह से बना लिया है। इस नए प्रोसेस से साल में 2 बार, जैसा कि आप जानते हैं एयरफोर्स नेवी की भी वैकेंसी 2 बार आती है, तो इंडियन आर्मी की भी वैकेंसी 2 बार होगी। ऑनलाइन रिटन एग्जाम पहले कंडक्ट कराया जाएगा, तो हो सकता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी बदलाव देखने को मिले, ऐसा भी कहा जा रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बदलाव से मतलब ये होता है बच्चा कि हो सकता है कि कुछ कट ऑफ के स्टैंडर्ड बढ़ाए जाएं, क्योंकि टेक्निकल और क्लर्क में अब स्टैंडर्ड क्राउड की जरूरत हो रही है। तो लाजमी सी बात है कि हर लेवल पर इस चीज़ की अब स्क्रीनिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, तो हो सकता है मे बी कि परसेंटेज में थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिले कट ऑफ के दृष्टिकोण से, बट इतना यूज नहीं होगा, एक आइडियल ही चीज़ें रहेंगी जैसा है, मतलब 50% से अब हम कुछ नहीं मान सकते हैं। इसका सबसे बड़ा
बड़ा कारण है कि इतने ज्यादा कैंडिडेट को हैंडल करना। आपको पता है कि एक सेंटर पर रैली के दौरान कैडेट्स को हैंडल करने में ज्यादा दिक्कत, जैसे इस बार तो आप जा ही रहे हैं, लाइव प्रोसीजर देख रहे हैं, 1 बजे से शुरू हो रही है एंट्री, सुबह तक चल रही है, कितना लंबा प्रोसेस, कितना लंबा 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई, कितना संघर्ष के साथ बच्चे जा रहे हैं। बट मुझे लगता है रिटर्न का प्रोसेस कर देने के बाद मुझे लगता है चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि जितने बच्चे अप्लाई करेंगे, जो रिटर्न क्रैक करेंगे, उन्हीं को फेस टू दैट मीन फिजिकल के लिए और उनके मेडिकल की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा, तो ऑटोमेटिक बात है कि क्राउड जो है वो कम होगा, क्योंकि कट ऑफ भी ठीक जाता है। अभी भी कट ऑफ कोई कम नहीं जाता, आप अच्छे ढंग से जानते हैं, तो तब भी कट ऑफ कोई कम जाने वाला नहीं है। और मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं बेटा कि नाउ चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन नेवी हो, काफ़ी स्किल्ड मैन पावर की ओर ये बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनको बेस्ट ऑन बेस्ट लेके आगे बढ़ना है। तो लाजमी सी बात है कि जो पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर ये बना रहे हैं, इस तरह का बना रहे हैं जिसमें कि एक सीरियस एकेडमिकली भी बच्चा स्ट्रांग हो, फिजिकली भी स्ट्रांग हो और मेडिकली भी अप टू द मार्क हो, सारे ही प्रॉस्पेक्ट, क्योंकि फौज में आप जा रहे हैं तो जितना जरूरी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की, उतना ही आपकी एकेडमिक एक्सीलेंसी को भी मेंटेन करना है। तो ये सारे प्रॉस्पेक्ट अब देखना है, दैट मीन फिजिकली भी सही है, मेंटली भी सही है, दोनों प्रॉस्पेक्ट से सही हैं तभी सही हैं, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ा बदल चुकी हैं, चीज़ों का तरीका थोड़ा बदल चुका है। तो मुझे लगता है कि अब आप सबको ये समझना होगा गंभीरता के साथ कि अब तैयारी एक सीरियस नोट पे होगी। दौड़िए, दौड़ने में कोई बुराई नहीं है, बट उसके साथ साथ आपको अपने रिटर्न पे भी उतना ही ख्याल रखना होगा, उतना ही फोकस करना होगा। जल्दी इसकी अपडेट आएगी, मैं अपडेट करूंगा, बट उस सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि ये अपडेट तो आनी ही आनी है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये मैं आपको श्योर शॉट कर देना चाहता हूं, अगली वैकेंसी में देखने को मिलेगा। बट इस बीच जो सबसे ज़्यादा अहम आपके लिए हो जा रहा है वो यही हो जा रहा है, क्या वाकई में इंडियन आर्मी आपका सपना है? इस वैकेंसी के होने के बाद अगली वैकेंसी फिर लगी हुई है और इस बार नंबर आप वैकेंसीज बढ़ के ही आएंगे, अगर इस बार 40 है तो फिर 46 होना है, घटना नहीं है, बढ़ना है वैकेंसीज का। तो लाजमी सी बात है, अगर आप अपना एक सीट रिजर्व करना चाहते हैं तो आपको अभी से लग जाना है बच्चा, आपको एकेडमिक मेंटली भी अच्छा करना है खुद को, फिजिकल हो सकता है 1-2 महीने में दौड़ के आप मेंटेन कर लें, बट बेटा एकेडमिक एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें समय लगता है बच्चा, और आप भी ये बात दिल पे हाथ रख के महसूस करेंगे और मानेंगे कि एकेडमिक में जिस लेवल का फोकस होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं रहा है। तो लाजमी सी बात है उसको बनाइए और एक योद्धा की तरह परफॉर्म करिए, आप मैदान छोड़ के हटने वालों में से नहीं, मैदान पे डटने वालों में से हैं। तो लाजमी सी बात है कि आपको आके एक बेहतर तैयारी की ओर बढ़ना चाहिए। बीइंग अ मैजिकल सी क्लास, मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि बेहतरीन रिटर्न की प्रिपरेशन, ऑनलाइन टेस्ट है, प्रॉपर कंप्यूटर लैब है जिसमें सेम पैटर्न पे टेक्निकल का जो पेपर है, क्लर्क का जो पेपर है, या जीडी ट्रेड्समैन और आपके WMP का जो सेम पैटर्न पे आपको हम टेस्ट कराएंगे ऑनलाइन पैटर्न पे, जिससे उससे आप रूबरू हो पाए। कितने बच्चे हैं जो पहली बार जाकर टेस्ट देंगे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वो भी आपको मिलेगा। पर्सनल डाउट काउंटर दिया है बच्चा, जहां 1-to-1 हर बच्चे का हम केयर करेंगे, उनको परफेक्शन बनाएंगे, और बिल्कुल मत घबराइए, 0 है कोई दिक्कत नहीं, आइए 1-to-1 जब पढ़ाने को तैयार है तो क्या दिक्कत है। 400 मेंबर्स की एक बड़ी टीम है MKC की, जो एक बच्चे को बेहतर करने के लिए डेडिकेट और कहीं ना कहीं परफेक्ट है। एक बेहतरीन मटेरियल है MKC पब्लिकेशन का, जिसकी मदद से एक ऐसी तैयारी मिल जाएगी कि आप सफल होंगे। तो चाहे रिटर्न हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेडिकल, हर स्टेज में अगर सफलता लेना और फाइनली इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना है तो हिस्सा बनिए मेडिकल सी परिवार का। ये क्लैरिटी आ चुकी है कि अभी जो करंटली आपकी रैली भर्ती हो रही है ये प्रक्रिया पुरानी वाली ही चलेगी, नेक्स्ट जो वैकेंसी आ रही है उसमें प्रक्रिया अब ऑनलाइन फिजिकल और मेडिकल। आशा करता हूँ आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी। इसके बावजूद कोई क्वेरीज है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आइए, और एक कमिटमेंट चाहिए कि रास्ता कैसा भी बने सर, हम सफलता की राह पे बढ़ेंगे और सत पर सत सफलता लेके रहेंगे, ये वचन, ये डिटर्मिनेशन और ये आपको कमिटमेंट मेरे को देनी है। और साथ ही साथ आपको फटाफट बैग पैक करके MKC का हिस्सा बनना है अपनी श्योर शॉट सफलता के लिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक, वेलकम MKC, जय हिंद जय भारत।